अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। टमाटर की कीमतों में तेज उछाल की खबर के बाद आज सरकार की ओर से बयान आया है कि दक्षिण भारतीय राज्यों में कीमतों में बढ़ोतरी अगले 2 हफ्ते में कम हो जाएंगी। खाद्य सचिव पांडे ने आज कहा कि दक्षिण भारत में टमाटर के खुदरा भाव अगले 2 सप्ताह के दौरान नरम होना शुरू हो जाएगा। उनके मुताबिक दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में बारिश का असर यहां के फसलों की आपूर्ति पर पड़ा है, जिससे कुछ जगहों पर कीमत में तेज उछाल आया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश भर में टमाटर उत्पादन पर किसी तरह के असर की कोई आशंका नहीं है, जिससे कीमतों में जल्द ही कमी आएगी। दूसरी ओर उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कई जगह पर टमाटर की कीमत 100 रुपये प्रति किलो के करीब पहुंच गई है। दूसरी ओर दिल्ली को छोड़कर देश के अधिकांश प्रमुख शहर में कीमत 50 रुपये से 106 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच है। फिलहाल दिल्ली में टमाटर की कीमत अभी निचले स्तर पर है, यहाँ टमाटर 40 रुपये किलो बिक रहा है। वहीं मुंबई और कोलकाता में टमाटर 75 रुपये प्रति किलो से ऊपर है। चेन्नई में टमाटर का भाव 60 रुपये प्रति किलो है। वहीं खाद्य सचिव ने कहा कि दिल्ली में टमाटर की कीमतों में स्थिरता है, हालांकि दक्षिण भारत में टमाटर क्षेत्र में बारिश के कारण महंगा हो गया है, क्योंकि बारिश ने इन क्षेत्रों में फसल को सीमित नुकसान पहुंचाया है। हालांकि टमाटर के कुल उत्पादन को लेकर कोई समस्या नहीं है, सरकार राज्य सरकारों से इस बारे में बात कर रही है और उम्मीद है कि अगले 2 सप्ताह में टमाटर की कीमतों में कमी आएगी। वहीं सचिव ने यह भी बताया कि प्याज का उत्पादन और खरीद भी पिछले साल की समय सीमा से आगे चल रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक 52,000 टन प्याज की खरीद हो चुकी है, जबकि एक साल पहले तक 30,000 टन प्याज की खरीद हुई थी। साथ ही उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा किए गए आंकड़ों के मुताबिक कोलकाता में टमाटर एक महीने में 3 गुना से ज़्यादा बढ़ गए हैं। वहीं अप्रैल के अंत में कोलकाता में टमाटर 25 रुपये प्रति किलो के करीब मिल रहा था। आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में भी इस दौरान टमाटर की खुदरा कीमत दोगुनी हो गई है, जबकि चेन्नई में कीमत एक महीने पहले 50 रुपये प्रति किलो से नीचे थी, वर्तमान में भी 60 रुपये प्रति किलो के स्तर के करीब है। दिल्ली में टमाटर अप्रैल के अंत में 30 रुपये प्रति किलो के स्तर के करीब था, वर्तमान में ये 40 रुपये प्रति किलो के करीब है। आंकड़ों के अनुसार पूरे देश में टमाटर का औसत खुदरा मूल्य पिछले एक महीने में 77% से अधिक बढ़कर 50 रुपये प्रति किलो हो गया है, जो एक महीने पहले की अवधि में 30 रुपये प्रति किलो था। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।